close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. Hello guys, welcome back to my channel. आज का वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके बोला कि आप हिंदी में वीडियो बनाओ, तो आज का वीडियो उनके नाम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सॉरी गाइस बिकॉज काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का और एडिटिंग करने का. उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. आज के वीडियो का टॉपिक है क्यू एन ए अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स इन फ्रांस. इस वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम में पूछे हैं. उन सब के आंसर मैं ये वीडियो के थ्रू बताऊंगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इजी टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन फ्रांस. आंसर इज यस एंड नो, बिकॉज इफ यू नो फ्रेंच देन इट्स यस, If you don't know French, then it's no. So, फ्रांस में अगर आपको फ्रेंच आती है तो ईजीली पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाएगी, पर अगर फ्रेंच नहीं आती है तो पार्ट टाइम जॉब ढूंढना बहुत ही हार्ड है यहाँ पे. अगर आप सोचते हो कि पेरिस में चल जाएगा इंग्लिश, बट वैसा नहीं है, पेरिस में भी आपको जल्दी जॉब नहीं मिलेगी. Second question is, students can get enough time to do a part-time job in France? So, इसका answer आपके classes पे depend है. अगर आपके classes daily है, तो आपको enough time नहीं मिल पाएगा. अगर आपके classes week में 3 या 4 दिन है, तो आपको enough time मिल जाएगा part-time job करने का. अगर आप 1 साल के masters के लिए आ रहे हो, तो probably आपके classes daily रहेंगे यहाँ पे. आपको सिर्फ वीकेंड में ही टाइम मिलेगा जॉब करने का, या फिर आप कोई नाइट जॉब कर सकते हो. मेरा कोर्स 1 साल का था, तो मुझे इनफ टाइम नहीं मिल रहा था पार्ट टाइम जॉब करने का क्योंकि मेरे क्लासेस मॉर्निंग टू इवनिंग डेली रहते थे, सिर्फ वीकेंड में ही टाइम मिलता था. मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं कर पाया था जब मैं स्टडी कर रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन डू. इसके आंसर के लिए आपको मेरा एक प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, पार्ट टाइम जॉब्स इन फ्रांस. उसमें मैंने जो बेस्ट 5 इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट टाइम जॉब्स है उसके बारे में बताया है, और आप कैसे वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो वो भी बताया है. और उसके अलावा भी अगर आपको वीकेंड में जॉब करनी है तो आप मार्से में कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द एरिया में मार्से लगता है वीकेंड में, जो अपने लाइक ओपन मार्केट की तरह होता है. तो वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हो जॉब के लिए. वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं देगा. और दूसरा, आप रेस्टोरेंट्स के लिए बास्टिल करके जगह है, वहाँ पे जाके पूछ सकते हो क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश स्पीकर ज़्यादा हायर करते हैं और वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं. आपको वहाँ पे जॉब मिलने का चांसेस है और वहाँ पे बहुत ही बार है. आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो. दूसरा, आप गार्दोनॉड में भी ट्राई कर सकते हो. वहाँ पे सारे एशियन रेस्टोरेंट्स और शॉप्स है, वहाँ पे आपको जॉब मिलने के चांसेस है, तो आप वहाँ जाके भी ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी आवर्स अ स्टूडेंट कैन वर्क इन फ्रांस. फ्रांस में आप एज अ स्टूडेंट्स 20 आवर्स अ वीक जॉब कर सकते हो एंड टोटल 964 आवर्स अ ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम वेज इन फ्रांस. फ्रांस में मिनिमम वेज है 10 यूरो पर आवर. आप अगर कोई लीगली जॉब कर रहे हो तो आपको मिनिमम 10 यूरो मिलेगा, पर इलीगल जॉब में आपको 10 यूरो नहीं मिलेगा, शायद कम मिलेगा. आप लीगली जॉब ढूंढना ही ट्राई करें कि आपको लीगल डॉक्यूमेंट वाली जॉब ही मिले, तो आप उसमें ज़्यादा कमा सकते हो. और इलीगल जॉब में अगर आपको वो पैसे नहीं भी देता है तो आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाओगे. काफ़ी सारे
स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है कि उन्होंने जॉब किया और पेमेंट नहीं मिला, पर वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं था कि वो काम कर रहे थे। सो ऐसे स्कैम से आप बच के रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच स्टूडेंट्स कैन अर्न बाय डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब इन फ्रांस। सो एज आई टोल्ड यू, एज अ स्टूडेंट आप 20 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो और फ्रांस में मिनिमम वेज 10 यूरो पर आवर है, तो उसके हिसाब से आपको वीक में 200 के आसपास कमा सकते हो। सो मंथली आपके हो गए अराउंड 800। सो आप पार्ट टाइम जॉब करके अराउंड 700 to 800 यूरो तक कमा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच स्टूडेंट्स कैन सेव बाय डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब। सो इसके आंसर के लिए आपको पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में जानना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पेरिस। सो आपको पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे कितना है, तो उसके हिसाब से आप अपना सेविंग सोच सकते हो और आपको आप पार्ट टाइम जॉब करके कितना कमा सकते हो उसका आंसर भी मैंने दे दिया, अराउंड 700 to 800। सो उसमें से आप अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल दो तो बाकी जो बचा उतना आप सेविंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई पे माई ऑल एक्सपेंसेस बाई डूइंग पार्ट टाइम जॉब। सो आंसर इज यस, आप अपना पूरा एक्सपेंस आराम से पे कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब करके, बट वो भी आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे डिपेंड है। अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो ऑब्वियसली 700 to 800 में आप अपना एक्सपेंस पे कर सकते हो, पर अगर आप लग्जरी लाइफ जियोगे तो 700 में वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई वर्क मोर देन 20 आवर्स अ वीक। सो यस, आप मोर देन 20 आवर्स काम कर सकते हो, बट आप साल में 964 आवर्स ही काम कर सकते हो। सो आप वीक में 20 आवर से ज़्यादा करें या कम करें, पर आपका साल का 964 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आप सबने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछे थे, उन सब का आंसर मैंने ये वीडियो में दे दिया है। आप सबको भी मैंने इंस्टाग्राम में रिप्लाई करके आंसर दिया था, पर अभी मेरे पास इनफ टाइम नहीं है कि मैं सबको सेम क्वेश्चन का आंसर दूँ। सो उसके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको सब आंसर मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हो कभी भी। पर गाइस प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि भाई जॉब दिला दो। सो क्योंकि मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप कहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो, पर मैं आपको जॉब दिला नहीं सकता क्योंकि मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स है नहीं अभी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि मेरे वीडियो 80% लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।